सोलन में कर्फ्यू का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। सोलन के कई क्षेत्र जिला प्रशासन ने सील किए हैं, जिनकी स्थिति जस की तस बनी रहेगी। ये संदेश सोलन उपायुक्त केसी चमन ने मीडिया के माध्यम से सोलन की जनता को दिया। उन्होंने सोलन की जनता को कहा है कि वह संकट के काल में जिला प्रशासन का सहयोग दें, ताकि वह कोरोना के खिलाफ चल रही अभियान को कामयाब बना सके। उन्होंने कहा कि अब लॉकडाउन का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है, ऐसे में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए वह सख्त कदम उठाने जा रहे हैं, जिसके चलते अब बिना मास्क के लोग अपने घरों से बाजारों में नहीं निकल पाएंगे। अगर वह बिना मास्क आएंगे तो उन्हें वापस घर भेजा जाएगा और साथ में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये पूरे बीबीएन क्षेत्र में हर जगह मास्क है। हमने ये किया है कि हम हिदायतें दी है, मैं आज पुलिस को ये कहा है कि जो है इमीडिएटली जो बाहर आता है बिना मास्क पहने उसको वापस भेजा जाए या उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये संदेश लोगों को है कि बिना मास्क के अगर कोई बाजार में पाया गया, एपिडेमिक एक्ट के तहत भी केस दर्ज हो सकता है उसके तहत, क्योंकि वो संक्रमण का एक आधार बन जाता है। पूरे सोलन में ये रहेगा, पूरे सोलन में ये रहेगा। घर से बिना मुंह ढांपे अगर मास्क नहीं तो जो भी है तो आप मुंह ढांपे बाजार बाहर नहीं निकलेगा।